नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ पे 1100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़, उसी सीरीज़ का हम लाए हैं अभी आपके सामने भाग 5। और इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारी 1100 क्वेश्चंस की सीरीज से संबंधित हैं। आपका हिंदी साहित्य का कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस आते हो, उसके लिए ये है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आप इसको देखिए, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृत पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? तो मन का प्रतीक है वो है रतन सेन। पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में भक्ति के जन आंदोलन का रूप धारण करने का मुख्य कारण क्या है? तो रामानंद का उदार दृष्टिकोण है यहाँ पे, भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्ति से असंगत है। तो भक्ति काल की जो सामान्य प्रवृत्ति थी वो गुरु का महत्व, नाम महिमा, समन्वय भावना ये थी। मूर्ति पूजा का विरोध ये भक्ति काल में ये असंगत है सामान्य प्रवृत्तियों से। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि असंगत कौन सा है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा बतलाए गए निर्गुण भक्ति के मूल तत्वों में असंगत है, मतलब कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो निर्गुण भक्ति के मूल तत्व बताए उनमें से कौन सा है जो यहाँ पे असंगत है? तो भजन कीर्तन है ये यहाँ पे असंगत है। अनाम ब्रह्म का नाम जप ये सही है। सहज साधना, मानसिक भक्ति ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। शंकराचार्य ने जगत की सृष्टि के मूल में किसे माना है? तो माया को माना है। कबीर के संबंध में असंगत है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक है जो कबीर के संबंध में गलत है, तो उसको हम देख लेते हैं। उनकी वाणी बीजक में संकलित है, बिल्कुल बीजक में इनके जो शिष्य थे धर्मदास उन्होंने करवाई थी। और उनके उत्तराधिकारी कौन है? धर्मदास हैं। और उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। उन्होंने शास्त्र संगत बात कही ये गलत है, यहाँ पे ये मेल नहीं खाती है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है असंगत। कबीर की विचारधारा के रचनाकार कौन है? तो गोविंद त्रिगुणायत है, ये कबीर की विचारधारा के रचनाकार है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की सदुक्कड़ी भाषा में किन बोलियों का मिश्रण माना है? तो आचार्य शुक्ल ने कबीर की सदुक्कड़ी भाषा में जिन बोलियों का मिश्रण माना है दोस्तों, वो यहाँ पर नहीं दी गई है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। किसने कहा कबीर जन्म से अस्पर्श, कर्म से बंदनीय थे? तो ये आचार्य द्विवेदी जी ने कहा कि कबीर जन्म से अस्पर्श थे और कर्म से बंदनीय थे। कबीर की भक्ति भावना किससे प्रभावित थी? तो कबीर की जो भक्ति भावना थी वो शंकराचार्य जी से प्रभावित थी। रैदास परिचय के संपादक कौन है? अनंतदास है। नानक की किस रचना में खड़ी बोली का रूप मिलता है? तो नसीहतनामा है, इसमें खड़ी बोली का रूप मिलता है, नानक की जो रचना है नसीहतनामा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गोविंद सिंह है, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। दादू दयाल की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? तो नरेना है, यहाँ पर इनकी प्रधान गद्दी है दादू दयाल की। संतों के संबंध में असंगत है, देखिए दोस्तों यहाँ पे संतों के संबंध में 4 तथ्य दिए गए, इनमें से एक है जो असंगत है उसको हमें बताना है यहाँ पे। तो सुंदरदास समुचित शिक्षा प्राप्त थे ये बिल्कुल सही है। रज्जब सैनिक शिक्षा प्राप्त थे ये यहाँ पे गलत है दोस्तों। नामदेव का गुजरात से संबंध था ये बिल्कुल सही है। जसनाथ ने 36 नियमों पर बल दिया ये 3 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, जबकि रज्जब सैनिक शिक्षा प्राप्त थे ये यहाँ पे गलत है। कौन सा सूफी संप्रदाय भारत में प्रचलित नहीं है? तो सतारी है, ये भारत में प्रचलित नहीं है। कादरी है, चिश्ती है, सुहरावर्दी है, ये भारत में प्रचलित है। किस काव्य में लौकिक से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है? तो सूफी काव्य में लौकिक से अलौकिक की प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। चंदायन में लोरक के पूर्व पत्नी का नाम क्या है? तो मैना है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा संपादित जय श्री कृत पद्मावत में कुल कितने खंड है? तो 58 खंड है दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा संपादित। देखिए यहाँ पे अलग अलगों के द्वारा संपादित किया गया, तो यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा संपादित जय श्री कृत पद्मावत में कुल 58 खंड है दोस्तों। जय श्री कृत पद्मावत का काव्य प्रयोजन है? तो यश प्राप्ति करना इनका काव्य प्रयोजन है जय श्री कृत पद्मावत का। वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक आचार्य है? रामानुजाचार्य है, ये वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक आचार्य है। बल्लवाचार्य ने जीव के कितने भेद किए हैं? तो 3 भेद किए इन्होंने। आचार्य शुक्ल ने किस रचना के संबंध में कहा है कि कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है? तो चित्रावली के संबंध में ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है, मतलब कि चित्रावली के जो लेखक है इन्होंने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने किस रचना के संबंध में कहा कि इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए? देखिए आचार्य शुक्ल ने इंद्रावती के बारे में कहा है कि इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। किस काव्य में इतिहास कल्पना का संयोग है? तो सूफी काव्य है, इसमें इतिहास कल्पना का संयोग है।
किस कवि ने 29 प्रमाक्षण लिखे हैं? तो नयामत खां है, इन्होंने 29 प्रमाक्षण लिखे हैं। असंगत की पहचान कीजिए। नारायण दास छिताई वार्ता, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे नूर मोहम्मद रोज तुल हकायक है, ये बिल्कुल सही है। चरण दास है, ये पंचोपनिदेश है, ये भी सही है। अक्षर अनन्य, ये भक्ति विवेक है, ये यहाँ पे असंगत है दोस्तों। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे नम्बालवार की रचना, किस रचना में सर्वप्रथम राम भक्ति का उल्लेख मिलता है? तो तिरुबाई मोली में मिलता है दोस्तों। कौन से आचार्य 11 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण करने का महाप्रज्ञ कहलाए? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसका आंसर देना कमेंट में कि कौन से आचार्य है जो 11 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण का महाप्रज्ञ कहलाए, क्योंकि इसमें इसका आंसर दिया हुआ नहीं है। आप इसको कमेंट में बताना, फिर मैं आपका क्वेश्चन इसका आंसर राइट करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसका क्या है नेक्स्ट वीडियो में। आचार्य संप्रदाय के संबंध में असंगत है, तो हरिदास है, ये राधा वल्लभ संप्रदाय है से संबंधित है, तो ये यहाँ पे असंगत हो गया। चैतन्य महाप्रभु गौड़िया संप्रदाय से संबंधित है, निम्बार्क सनकादि संप्रदाय से संबंधित है, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, ये तीनों तथ्य यहाँ पे बिल्कुल सही है। किस आचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? तो निम्बकाचार्य है, इसको कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है UGC नेट में, इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? तो ये कृष्णदास पेहारी जी है, इन्होंने स्थापित की थी गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी। राम भक्ति के साथ योग साधना पर किसने बल दिया? तो कीलदास है, इन्होंने राम भक्ति के साथ योग साधना पर भी बल दिया। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा को महत्व दिया गया है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसमें गद्दी सेवा को महत्व दिया गया है। रामानंद ने वैष्णव माझव भास्कर में किस शिष्य के 9 सवालों के जवाब दिए हैं? तो सुरानंद के दिए हैं दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राम भक्ति में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अग्रदास को दिया जाता है। तुलसीकृत वैराग्य संदीपनी के संबंध में असंगत है। अब देखिए यहाँ पे असंगत तथ्य हमें छांटना है, बाकी तीन सही है इसमें। तुलसी की पहली रचना है, संत महिमा का वर्णन है, अवधि भाषा में रचित है, ये तीनों बिल्कुल सही है। काव्य रूप प्रबंध है, ये यहाँ पे गलत है, असंगत है दोस्तों। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तुलसीकृत ज्योतिष ग्रंथ रामज्ञा प्रश्नावली में कुल कितने दोहे हैं? तो इसमें है 343 दोहे दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस के किस कांड में उल्लेखित चित्रकूट सभा को एक आध्यात्मिक घटना बताया है? तो अयोध्या कांड में ये है चित्रकूट सभा, इसको आध्यात्मिक घटना बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, याद रखना आप इस तथ्य को। तुलसी की कौन सी रचना राम के दरबार में प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र है? तो ये है विनय पत्रिका, जो कि भगवान राम के दरबार में प्रस्तुत की गया एक प्रार्थना पत्र के रूप में है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसी की किस रचना में काशी में फैली महामारी का वर्णन है? तो कवितावली में काशी में जो महामारी फैली थी उसका वर्णन किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। कौन से कवि विट्ठल नाथ के शिष्य नहीं है? तो कृष्णदास है, ये विट्ठल नाथ के शिष्य नहीं है। नंददास है, गोविंद स्वामी है, चतुर्भुज दास है, ये तीनों है, ये विट्ठल नाथ के शिष्य है। विट्ठल नाथ के 8 शिष्यों पर अष्टछाप की मोहर कब लगाई? देखिए दोस्तों, विट्ठल नाथ के 8 शिष्य थे और उनको अष्टछाप के नाम से जाना जाता है, तो इस पर मोहर कब लगाई, मतलब इनको कब से जाना जाता है विट्ठल नाथ के 8 शिष्यों के नाम से? तो 1565 ईस्वी से दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। किस भक्त ने कहा कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार ये लाइन आ चुकी है, मैंने इसको KBS के PGT में देखा है, DSSB के TGT PGT दोनों में देखा है, नेट JRF में भी देखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये कुंभन दास ने लिखा है। सूरदास के संबंध में असंगत है, अब यहाँ पे हमें छाटना है असंगत। तो पुष्टि मार्ग को जहाज कहा था उनको, बिल्कुल सही है। ये भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक है, ये भी बिल्कुल सही है। बात्सल के सम्राट है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है सूरदास जी के बारे में। उनका काव्य अवधि ब्रज भाषा में, ये यहाँ पे गलत हो जाता है, तो यही होगा हमारा उत्तर। आचार्य द्विवेदी ने सूर्य के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता बताई है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्होंने सूरदास जी का जो काव्य था उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता बताई है वो यहाँ पर दोस्तों इसमें दी नहीं हुई है। कौन से अष्टछापी कवि श्रीनाथ मंदिर के व्यवस्थापक थे? तो कृष्णदास है, ये श्रीनाथ मंदिर के व्यवस्थापक थे दोस्तों। अष्टछाप के किस कवि का संबंध मथुरा से है? जो छीत स्वामी है, इनका संबंध है मथुरा से, ये अष्टछाप के कवि है। नंददास को किस रचना के आधार पर जड़िया कवि कहा जाता है?
तो नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी, इसके आधार पर इनको जड़िया कहा जाता है, क्योंकि इनका जो शब्द चयन था वो बहुत शानदार था, बहुत बेहतरीन था, इसीलिए इनको जड़िया की उपाधि दी। मीरा द्वारका कब गई? तो मीरा द्वारका गई थी 1542 ईस्वी में। रसखान की भक्ति पर रीझकर किसने कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन बारी? तो भारतेंदु जी ने कहा ये। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की साखियों में वर्णित है सांप्रदायिक शिक्षा के उद्देश्य। दोस्तों पहले भी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की जो साखियां हैं उनमें सांप्रदायिक शिक्षा के उपदेश है वो वर्णित है, दिए गए हैं वहाँ पे। आचार्य शुक्ल ने कबीर की सदुकड़ी भाषा में किसका मिश्रण बताया है? तो राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रण बताया है कबीर की सदुकड़ी भाषा में। किसकी मृत्यु पर हरिराम व्यास ने कहा कि बड़ो अभाग्य अनन्न सभा को उठी गयो ठाट सिंगार? तो ये हित हरिवंश की मृत्यु पर कहा है हरिराम व्यास जी ने। कबीर के संबंध में कौन सा मत है वो असंगत है दोस्तों यहाँ पे? तो ये बाबूराम सक्सेना के अनुसार कबीर अवधि के प्रथम संत कवि है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर ने संत भाषा में लिखा है, ये भी सही है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर वाणी के डिक्टर है? नहीं दोस्तों, ये डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नहीं है, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है कबीर को वाणी के डिक्टेटर कहा जाता है। उदय नारायण तिवारी के अनुसार कबीर ने बनारस की बोली में लिखा है, ये तीन बिल्कुल सही है। और ये एक क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वाणी की कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया इनको वाणी का डिक्टेटर। कबीर के काव्य में लोक व्यवहार के विपरीत अर्थ रखने वाली पंक्तियाँ कहलाती है, तो ये उलटवासी कहलाती है। कबीर की प्रतिभा को प्रखर मानते हुए वाणी को व्यंग चमत्कार पूर्ण किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किस संत के काव्य के केंद्र में स्वर्ण निम्न का भेद है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है रैदास के काव्य में स्वर्ण निम्न का भेद। किसने कहा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाको अंग अंग बास समानी? तो ये रैदास ने कहा, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लाइन है, इनकी बार बार आती है, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे हो नेट जेआरएफ का एग्जाम मिलान करने वाला जो क्वेश्चन आता है नेट जेआरएफ में, उसमें ये हमेशा आती है। टीजीटी पीजीटी में इन लाइनों को देख के पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई लाइन है, तो आप इनको याद रखिए कि ये रैदास जी ने लिखी है। किस पंथ में सतराम कहकर अभिवादन किया जाता है? तो दादू पंथ में सतराम कहकर के अभिवादन किया जाता है। किस स्थान को उत्तर तोतात्री कहा गया है? तो गलता को। अग्रदास के संबंध में यहाँ पे कौन सा असंगत है? तो कृष्णदास प्यारी के शिष्य थे, ये सही है। स्वयं को जानकी की सखी मानते थे, ये भी सही है। राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश किया, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। सीता सखी नाम से लिखते थे, ये यहाँ पे गलत है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तुलसीदास ने कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर लिखी? तो गीतावली है, ये सूरदास जी के अनुकरण पर लिखी थी तुलसीदास जी ने। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने किसे कविता कानन का सबसे बड़ा वृक्ष कहा है? तो तुलसीदास जी को कहा है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने कविता कानन का सबसे बड़ा वृक्ष। किस संत की रचना साहित्यिक सरस और भाषा की काव्य की मंजी हुई ब्रजभाषा है? तो सुंदरदास की है। सूरदास कृत साहित्य लहरी में कुल कितने पद है? 118 पद है दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने किस संत को छत्रसाल का गुरु माना है? तो अक्षर अनन्न को माना है। महाराष्ट्र के संत नामदेव के गुरु का नाम था, तो खेचरनाथ है। महाराष्ट्र के संत नामदेव के गुरु का नाम खेचरनाथ। बाबरी साहिब साहिबा किसके समकालीन थी? अकबर के समकालीन थी बाबरी साहिबा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। कौन सी विशेषता संत काव्य से बेमेल है, मतलब कि मेल नहीं खाती है? तो आडंबर विरोधी काव्य है, ये बिल्कुल सही है। गुरु को महत्व दिया है, ये भी सही है। जनमानस का काव्य है, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। शास्त्रीय मूल्यों की स्थापना, ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि बेमेल कौन सा है। सूरदास को बात्सल रस का रस सिद्ध कवि किसने कहा है? तो मैनेजर पांडे ने कहा है। नंददास की कौन सी रचना पर्याय कोश है? तो मान मंजरी है, ये इनकी रचना है नंददास जी की, ये पर्याय कोश है। राधाष्टक के रचनाकार कौन है? तो नेही नागरी दास जी है। आचार्य शुक्ल ने मीरा की कितनी रचनाएं बतलाई है? तो चार रचनाएं आचार्य शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मीरा की बतलाई है। किस रचना के बारे में रचनाकार ने कहा कि ओ मैं जानी गीत अस किहना, मकू यह रहे जगत में जीना? तो पद्मावत के बारे में ये कहा गया है। जैसी ने भक्ति मार्ग में परमात्मा से एकाकार की स्थिति किस में मानी है? तो हकीकत में मानी है।
मीरा पदावली का संपादन किसने किया है? तो विष्णु कुमारी मंजू ने किया है मीरा पदावली का संपादन। किसने कहा पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किस प्रेम कथा काव्य में रुक्मणी का उल्लेख हुआ है? तो मृगावती में हुआ है रुक्मणी का उल्लेख। भारत में कितने सूफी संप्रदाय प्रचलित है? 4 सूफी संप्रदाय है जो कि भारत में प्रचलित है। किस प्रेम कथा में नायक लोरक है? तो चंदायन है, इसके जो नायक है वो लोरक है दोस्तों। रहीम कृत बरवे नाई का भेद की भाषा कौन सी है? जो रहीम ने लिखा है बरवे नाई का भेद, उसकी भाषा है अवधी। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम कवि कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का जो अंतिम कवि है वो नूर मोहम्मद है। किस प्रेमाख्यान में नायिका रंभा व नायक सोम के प्रेम का चित्रण है? तो ये रस रतन नाम का प्रेमाख्यान है, इसमें नायिका रंभा है और नायक सोम है, इनके प्रेम का चित्रण किया गया है। अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद जी है अनुराग बांसुरी के रचयिता। कौन सा प्रेमाख्यान जैनायनम के से आरंभ होता है? तो प्रेम विलास है, प्रेमलता की कथा, ये यहाँ से प्रेमाख्यान जैनायनम से आरंभ होता है। अगर चंद नाहटा ने जान कवि का मूल नाम क्या बतलाया है? तो नयामत खां बतलाया है। किस संप्रदाय में कैन कर्र भाव का उल्लेख हुआ है? तो श्री संप्रदाय में हुआ है दोस्तों। कौन सी विशेषता सूफी काव्य से बेमेल है? मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, तो मंडनात्मकता है, ये मेल खाती है दोस्तों। लेकिन हिंदू घरों की प्रेम कथाओं पर आधारित महाकाव्य है, ये यहाँ पे मेल नहीं खाता है, तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और ऐतिहासिक काल्पनिक चरित्र चित्रण है, ये भी सही है। लौकिक से अलौकिक प्रेम अभिव्यंजना हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। तीन ऑप्शन सही है, एक बेमेल है, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आचार्य शुक्ल ने सूफी परंपरा का एकमात्र हिंदू कवि किसे माना है? तो सूरदास जी को माना है। कौन सा जोड़ा असंगत है? तो विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित थे, ये यहाँ पे गलत है, असंगत है दोस्तों। रामानुजाचार्य है, ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। माधवाचार्य है, ये द्वैतवाद से। निम्बकाचार्य है, ये द्वैतवाद से है। तो ये तीन यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। किस आचार्य ने कहा मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है? तो ये माधवाचार्य जी ने कहा। किसने कहा जीव का ब्रह्म के साथ भेद भिन्न भी है और अभिन्न भी? तो ये निम्बकाचार्य जी ने कहा है। शत प्रश्नोत्तरी के रचनाकार कौन है? मनोहर कवि है। किसमें ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह को माना गया है? तो रुद्र संप्रदाय में माना गया है ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह को। भक्ति का आधार पुष्टि मार्ग किसने बताया है? बल्वाचार्य जी ने बताया है। रहीमन शतक के संपादक कौन है? तो लाला भगवान दीन है, ये रहीमन शतक के संपादक है। बरवे रामायण में कुल कितने बरवे हैं? तो इसमें 69 बरवे हैं दोस्तों। तुलसी की किस रचना में संत महिमा का वर्णन है? तो वैराग्य संदीपनी है तुलसीदास जी की रचना, इसमें संत महिमा का वर्णन किया गया है। किस कवि को आचार्य शुक्ल ने भक्त शिरोमणि कहा है? तो तुलसीदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्त शिरोमणि कहा है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं इस पार्ट का। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का आरंभ माना है? तो 1318 ईस्वी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का आरंभ माना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है भाग नंबर 5, और हम देख रहे हैं 1100 क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसमें 500 क्वेश्चन अब तक देख चुके हैं और देखने हमें पूरे 1100 क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों मैं आपको कम से कम ये मान लो कि 3000 क्वेश्चंस की सीरीज करवा चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से, उसको भी आप वहाँ जाके देख सकते हो। एक नेट जेआरएफ की प्लेलिस्ट है, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो उसको भी देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगे कि आपकी इससे मदद हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है, आपके मन में कुछ संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।